हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहंस पढ़ाई में मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना एक छोटू सा चैप्टर जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ ओके तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे बिना किसी देरी के ताकि ये छोटा सा चैप्टर जल्दी से निपट जाए वो भी डिटेल में ओके तो कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है तो इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है वो हमें ये बताते हैं कि हमारे अंदर लिखने की भावना या फिर लिखने की मोटिवेशन कहा से आती है स्पेशली मेरे अंदर कहाँ से आती है है ना और हम जो है लेखक ये कहते हैं कि बेसिकली जो चीज़ हमारे आंखों आगे होती है ना उसको लिखने में हम बहुत अच्छे से लिख पाते हैं और लेखक एक विज्ञान के छात्र थे है ना तो क्या होता है वो लेखक जो है वो जापान जाते हैं हिरोशिमा के शहर में और जैसे हमें पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ था आ, एटम बम गिरा था और वहाँ पे आज भी रेडियो वोल्टाइक वेव है जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे आज भी बहुत ही ज्यादा लाइक उन्हें काफी सारी काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है किसी का हाथ ऐसे उधर हो जाता है पैर उधर हो जाता है मतलब सारा नक्शक बेकार हो जाता है ना उन आ, रेडियो वोल्टाइक वेव्स की वजह से तो वहाँ पे आ, हिरोशिमा में जो एटमी प्रहार हुआ था उसके बारे में उन्होंने केवल सुना था क्योंकि वो विज्ञान के छात्र थे और बाकी सब ने भी सुना है तो जैसे ही वो जापान गए वहां पर उन्होंने एक पत्थर देखा और उस पत्थर पे एक आदमी की शक्ल बनी हुई थी और काली काली रंग की छाया सी बनी हुई थी तो वो देखने लगे कि अरे यार यहाँ पर तो एटम बम का हमला हुआ था और वो सोचने लग गए उस परछाई को उस नजारे को देख और वो उस परछाई को देखने के बाद ये सोचने पड़ गए कि मतलब उन्हें रियल में फील होने लग गया कि वो जब हुआ होगा रियल में तो कैसा क्या हाल हुआ होगा लोगों का है ना तो जब भारत आ रहे थे तो ले रेल में बैठे बैठे एक कविता के रूप में उसको उतारने की कोशिश करने लग गए मतलब जो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस परछाई को उस पत्थर पे एक इंसान की आकृति को और उस फील को कि तब जब ये एटमे हमला हुआ होगा हिरोशिमा पे तब कैसा क्या हुआ होगा उसको एक कविता के आ, उसमें उतारने हीरो लेखक कहते हैं मैं क्यों लिखता हूँ और वो इसी का इसका उत्तर जो है वो खुद देते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद को जानना चाहता हूँ अगर मैं लिखूंगा ही तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस टाइप का इंसान हुआ या मेरे अंदर की जो भावना वो कैसे निकलेंगी हम सब डायरी करते हैं ना डायरी लिखते हैं उसके अंदर हमें जब लिखते हैं तो हमारे ऐसा लगता है कि हमारे मन मन की जितनी भी भी भावनाएं थी वो सब हमने लिख दिया ऐसा लगता है 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 हमारा मन लाइट हो जाता है ना और हमें कुछ खुद के बारे में भी जानने को मिलता है कि हाँ हमारी यहाँ गलती हुई थी या फिर उसकी ये गलती हुई थी या फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए है ना तो लेखक का मानना है कि लिखकर ही अपने इंटीरियर कंपल्शन को या फिर अपने अभ्यंतर विश्वता को पहचान सकता है कि हम अपने अंदर की जो चीजें हैं वो सिर्फ लिख ही जान सकते हैं और लिख कर ही उससे मुक्त हो सकते हैं मतलब कोई भी थॉट वगैरह अंदर चलते हैं तो हम उससे मुक्त होते हैं अगर वो लिखते हैं इसलिए वो लिखते हैं बेसिकली लेखक है ना और लिखने के पीछे लेकिन सभी का एक जैसा कारण नहीं होता कोई कोई इंसान जो है वो किसी संपादक की वजह से लिखता है किसी को पैसे कमाने होते हैं किसी को पब्लिशिंग करवानी होती है फटाफट से इस वजह से वो लिखता है कई लोग तो ये भेद भी बनाए रखते हैं मतलब किसी किसी का तो नेचुरल पैशन होता है कि वो लिखता है अपने शौक के कारण कोई कोई लेकिन हर हाँ इंसान ये छुपाता है किसी किसी को पैसे कमाने होते हैं दो रोटी खानी होती है इस वजह से वो जबरदस्ती लिख रहा होता है कुछ भी कुछ भी और किसी का नेचुरल पैशन होता है लेकिन सबके सब ये भेद बनाए रखते हैं छुपाए रखते हैं सब यही कहते हैं कि तो हमारा पैशन है लिखना इस तरीके से है ना तो भारी बाहरी दवा, दबाव के कारण भी कई लोग लिखते हैं ठीक है कुछ इसी प्रकार से जैसे जैसे मतलब जिसको पैशन नहीं होता तो वो नहीं लिख पाता इतने ज्यादा मन से है ना वो जबरदस्ती ये काम कर रहा होता है ये कुछ इस तर, इस तरीके से जैसे कि किसी इंसान की सुबह जल्दी नींद उठ आ, नींद खुल गई और वो तब तक बेड पे पड़ा हुआ है जब तक अलार्म ना बजे तब तक वो तो इसी तरीके से आप लगा सकते हो कि जिसका पैशन होता है वो तो उसे तो बिना अलार्म के वो कभी भी उस काम को खुश होकर अगर कुछ पैशन उसका होता है और नहीं होता तो उसे बड़ी खीचा, खीचा ताने से ही करता है इस तरीके से तो बाहरी दबाव के कारण भी कई लोग जो है लिखते हैं कई लोग जो है अपने मन पसंद उनका ये काम होता है इसलिए वो लिखते हैं है ना अच्छा भीतरी व्यवस्था क्या होती है इसका वर्णन करना कठिन है इसे समझने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि जैसे Uh, अंदर के थॉट्स क्या होते हैं उसके लिए एक वो एग्जाम्पल देते हैं कि मैं uh, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ है ना और इसलिए मुझे पता है कि रेडियो वोल्टाइक वेव क्या होती है उनका प्रभाव क्या होता है ये सब मैंने पुस्तक में पढ़ा था लेकिन जब मैंने उसे रियल में देखा कि ऐसे ऐसे अनुबम गिरा था और मतलब समाचार में मैंने पढ़ा था लेकिन जब मैंने उसको रियल में देखा था तो मैं मतलब वो कहते हैं कि किताबी जो ज्ञान है वो तो ठीक है वो तो सबको होता है लेकिन रियल में देखने में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है कि असल में कैसा होगा वो चीज है ना तो विज्ञान आ, के वो कहते हैं कि विज्ञान का जो है बहुत बुरा प्र, लाइक प्रयोग किया है लोगों ने और कितने ज्यादा जिंदगी को नुकसान पहुंचाया है जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है उन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए एटम बम जैसे है ना तो इस तरीके से इसलिए मैंने उस विषय पर कविता नहीं लिखी वो कहते हैं कि मैंने इस वजह से इस पे कविता नहीं लिखी लेखक कहते हैं कि अभी युद्ध काल में ही ब्रह्मपुत्र नदी में काफी सारे बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते हैं तो उनके अंदर इतनी बुरी फीलिंग आ रही थी कि देखो ब्रह्मपुत्र नदी में भी उन्होंने ऐसा किया तो जब मछलियां ही मर, मार दी उन्होंने बेरहमों ने ऐसे-ऐसे करके तो फिर जब ये एटम बम गिरा होगा तो इंसानों का क्या हाल हुआ होगा है ना तो बहुत कहते हैं कि विज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा बुरा यूज किया जा रहा है विज्ञान का ठीक है और उन्होंने फिर जब हिरोशिमा के अस्पतालों में लोगों को जाते हुए देखा आज भी तो काफी है भी नहीं लिखी। तो एक दिन लेखक जो है वो सड़क पर घूम रहे थे तभी उन्हें जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी परछाई या फिर एक लंबी सी उजली छाया देखी उस छाया को देखकर उन्हें थप्पड़ सा लगा उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए मतलब जैसे ही वो उजली हुई छाया देखी ना उस पत्थर पे तो उनके अंदर एक सूर्य की तरह एक एनर्जी लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे एटम बम का विस्फोट हुआ था तो मेरे अनुभूति पक्ष, पक्ष में आ गया और मैंने एक अर्थ खुद हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए तो क्या हुआ कि जैसे मैंने उसको देखा उस पत्थर को और उस छाया को उस, फेस को तो मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आने लग गई मैं यू हो गया कि जैसे मैंने विटनेस कर लिया एटम बम जैसे गिरा हुआ वहां पे है ना मैंने खुद देखा अपनी आंखों से तो उनके अंदर काफी सारे थॉट्स आने लग गए ठीक है और जब हमारे अंदर काफी सारे थॉट्स आते तो हम वो लिखने की कोशिश करते हैं है ना तो उनकी बुद्धि में भी काफी सारी चीजें आई और उन्होंने एक दिन हिरोशिमा पर कविता लिख डाली इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखा था तो इस तरीके से हमारे जो पार्ट है वो पूरा होता है आई होप आपको समझ में आया होगा uh, मेरा पढ़ाना वीडियो भी अच्छी लगी होगी चैप्टर भी समझ में आया होगा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना सो इफ यू लाइक वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच